बिसमकुम एंड वेलकम टू दी इंट्रोडक्ट्री क्लास टू दी कम्पटेशनल इस लेक्चर में हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक्स और मुख्तलिफ़ काम जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की मदद से हम कर सकते हैं एंड देन डिफरेंट टूल्स ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री Uh, what Richard Feynman says uh, is, he says that all theoretical chemistry is really physics and all theoretical chemists know it. The theoretical chemistry is actually physics and all theoretical chemists know this. However, there is a difference between knowing the rules of chess and being able to play it. लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ गेम के रूल्स जानना और उसको खेलना इसमें फ़र्क होता है तो इस चीज़ से हम क्या खा सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री है वो बेसिकली उसके जो फंडामेंटल लॉज़ हैं उसके पीछे वो फिज़िक्स है लेकिन हम केमिस्ट्री में उसको कैसे यूज़ करते हैं तो जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है दैट इज़ द अप्लाइड फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल केमिस्ट्री हम थ्योरेटिकल केमिस्ट्री की डिटेल्स में नहीं जाएँगे थ्योरेटिकल केमिस्ट्री बेसिकली में वो सारी थ्योरी है जो कि बैक एंड पे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हमारे लिए सॉल्व करते हैं और जो इक्वेशनज़ हैं एक्चुअली एंड वॉट इज़ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री इज़ अ सेट ऑफ टेक्नीस फॉर इन्वेस्टिगे इन्वेस्टिगेटिंग केमिकल प्रॉब्लम्स ऑन अ कंप्यूटर रादर दैन यूजिंग केमिकल्स तो ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें आप केमिकल्स यूज़ करने की बजाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ करके कंप्यूटर के ऊपर केमिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें उसको कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री कहते हैं और जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है इसमें हम मुख्तलिफ़ कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से मुख्तफ़ केमिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एंड इट यूज़ज द रिजल्ट थ्योरेटिकल कैमस्ट्री इनकॉर्पोट इंटू एफिशेंट कम्प्यूटर प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल तो इसमें हम करते क्या हैं कि हम जो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री है वह मुख्तफ़ कम्प्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हुई है हम उन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं और मालिक्यूल्स की डिफरेंट प्रोपर्टीज़ कैलकुलेट करते हैं जिस तरह आपको पता है कि हम मलिक्यूल के फॉर एग्ज़ाम्पल एन एम आर केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं तो जिस तरह एन एम आर केमिकल शिफ्ट आपको एक्सपेरिमेंटल एन एम आर के अंदर मिलेंगी इसी तरह कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से कैलकुलेटेड एन एम आर भी आपका वैसा ही होना चाहिए तो चूँकि फंडामेंटल जो लॉज़ हैं वो सेम हैं अब हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से क्या क्या कर सकते हैं Uh, the questions commonly investigated computationally are number one molecular geometry, the shape of molecules, bond lengths, angles, and dihedrals. हम molecule की शेप determine कर सकते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ्स देख सकते हैं bond एंगल्स dihedral angle एंगल ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की मदद से स्टडी uh, कर सकते हैं जो कि नॉर्मली आप एक एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के थ्रू भी स्टडी करते हैं लाइक के आप एक किसी कंपाउंड का एम आर ले के उसकी ये डिटेल मालूम करते हैं या उसका एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी के जरिए से उसके लेंस बॉन्ड एंगल्स डाही एंगल्स वगैरह चेक करते हैं तो इसी तरह कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से भी हम ये चीज़ें डिटर्मिन कर सकते हैं इसके अलावा एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि एक्लिब्रियम के ऊपर आप देखें किसी कंपाउंड के डिफरेंट आइसोमर्स हों कौन सा आइसोमर ज़्यादा स्टेबल है किसकी एनर्जी लो है ये चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं ग्राउंड स्टेट ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की क्या होगी ये फ़ाइंड कर सकते हैं और ट्रांज़िशन स्टेट्स जो कि नॉर्मली आप विजुलाइज नहीं कर सकते वो आप कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की मदद से विजुलाइज कर सकते हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो कि रेस्पांसबल है फॉर द ट्रांज़िशन ऑफ़ रिएक्टेंट्स द प्रोडक्ट्स वो स्ट्रक्चर आप कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की मदद से स्टडी कर सकते हैं उसको विजुलाइज कर सकते हैं तो uh, इस तरह से आप पूरा रिएक्शन पाथ स्टडी कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्टिविटी इफ यू वॉन्ट टू नो वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इट मीन्स न्यूक्लियोफिलिकसाइड्स एंड वेयर दे वॉन्ट टू गो मीन अलेक्ट्रोफिलिक साइट्स इट इनेबल अस टू प्रडिक्टेयर वेरियस काइंड अ मोलिक्यूल अगर आप मोलिक्यूल की एक अलेक्ट्रोस्टेटिक पो पोटेंशियल मैप स्टडी कर लेते हैं आप देखते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किस एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं किस एरिया में अलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो अलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं कोई न्यूक्लियर फाइल है आपके पास वो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं वहाँ पे अटैक करना चाहता है तो आप ये चीज़ें कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की मदद से स्टडी कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है या इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे नीडेड हैं वहाँ पे कहाँ कहीं से आ सकते हैं तो ये सारी चीज़ें भी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की मदद से हम स्टडी कर सकते हैं इसके अलावा डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आ जाती हैं आई स्पेक्ट्रोस्कोपी यू स्पेक्ट्रोस्कोपी एन स्पेक्ट्रोस्कोपी दे कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड एंड इफ़ द मोिक्यूल इज़ अन नोन समन ट्राइंग टू मेक इट नोज़ वट टू लुक फॉर तो अगर आपके जो मॉलिक्यूल है वो अन नोन है वो नोन नहीं है फिर क्या हो सकता है कि आप उसका जो स्पेक्ट्रम है कंपटिशनली कैलकुलेट कर लें और वो स्पेक्ट्रम आप मतलब आपको प्रिडिक्ट करके तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो इसका एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा नज़र आएगा या कैसा होना चाहिए तो इस तरह से आप कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की मदद से अपने जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनको ऑगमेंट कर सकते हैं उनमें इजाफा कर सकते हैं और उनमें बेहतरी से उनको समझ सकते हैं तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की मदद से सिर्फ यही नहीं और बहुत सी जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे कैन बी स्टडीड ईज़ीली यूजिंग दी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री टेक्निक्स नाउ वी जस्ट इंट्रोड्यूस क्वांटम मकैनिक्स वेरी वेरी ब्रीफली एक स्लाइड के ऊपर हम क्वांटम मकैनिक्स को सिर्फ देखने की कोशिश करेंगे हम इसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे सो द डोमेन ऑफ फिज़िक्स दैट डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंटरेक्ट इज़ कोांटम मकैनिक्स तो फिज़िक्स की वो डोमेन जो कि एक्चुअली बताती है कि अलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं उ, उसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं एंड मॉडल्स दैट सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन आर कॉल्ड एब इनिशियो मैथड्स एंड दिस इज द रेलम ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री वो मैथड्स जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उन्हें एब इनिशियो मैथड्स कहते हैं एब इनिशियो का बेसिकली मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब बिल्कुल स्क्रैच से आप हर चीज़ कैलकुलेट करें और ये एक्चुअल जो रैल है कोांटम केमिस्ट्री का वो ये है कि आप ये चीज़ें खुद कैलकुलेट करें और इसके अलावा ये नोट अगर आप देखें देर इज मोर देन वन क्वांटम थ्योरी एंड सम प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री रिक्वायर टू गो बियॉन्ड द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर एग्जांपल द डरेक्ट इक्वेशन फॉर सिस्टम्स विद हैवी एटम्स टू इंक्लूड द इफेक्ट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिवली थ्योरी और क्वांटम इलेक्ट्रो डनेमिक्स फॉर हाईलीट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन तो लाजमी नहीं है कि एक ही क्वांटम थियोरी हर जगह पर फॉलो हो रही हो एक से ज़्यादा क्वांटम थियरीज हैं बाज अका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अलावा आपको और इक्वेशन को देखना पड़ता है जिस तरह हैवी एलिमेंट्स हैं अगर तो उनके अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी इन्वॉल्व किया जाता है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिवली उनकी स्पीड्स और उनकी जो मूवमेंट है दैट इज़ डिफरेंट तो यहाँ पे डिरेक्ट इक्वेशंस को भी यूज़ किया जाता है इसके अलावा और इक्वेशंस भी हैं लेकिन जो बेसिस है दैट इज़ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कि आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो देन यू आर डूइंग दी क्वांटम मैकेनिक्स अब डिफरेंट टूल्स जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के हैं इनको देखते हैं हम कि इनकी मदद से कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में क्या क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं सो वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड द मेन टूल्स अवेलेबल दे बिलोंग टू फाइव ब्रॉड क्लासेस ये पांच मेजर क्लासेस हैं जिन में से कुछ ना कुछ हम करेंगे और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में एक कंप्यूटेशनल केमिस्ट इन इन में से कोई ना कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा होगा द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट सिंपल इज मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स देन कम्स द एब इनिशियो कैलकुलेशन सेमी एम्पेरिकल मैथड्स डेंसिटी फंक्शनल थियोरी एंड मालिकुलर डायनमिक्स ये पाँच ब्रॉड किस्म की क्लासेज हैं जो कि हम इनको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देखेंगे और इन में से फिर जिसमें हमने आगे जाना होगा उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इनशाला सो द फर्स्ट वन इज़ मोलिक्यूलर मैकेनिक्स मॉलिकुलर मैकेनिक्स इज द सिंपलेस्ट मैथड ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री एंड इट इज बेस्ड ऑन अ मॉडल ऑफ अ मोलिक्यूल एज अ कलेक्शन ऑफ बॉल्स हेल्थ टुगेदर बाई स्प्रिंग्स इसमें आपने सिंपल हुक्स लॉ को स्टडी करना है सिंपल ये समझना है कि एटम्स आर लाइक बॉल्स एंड देर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू स्प्रिंग्स और स्प्रिंग हम बॉन्ड को कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स छोटे जो भी पार्टिकल्स हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते सिर्फ पूरे के पूरे एटम को एज अ बॉल लेंगे और बॉन्ड को एज अ स्प्रिंग लेंगे तो सिंपलेस्ट जो मैथड है वो हम सॉल्व करेंगे उस इस, इसको फिर मोलिकुलर मैकेस कहते हैं और अगर हमें स्प्रिंग्स की लेंथ्स पता हो यानी कि बॉन्ड्स की लेंथ्स उनके एंगल्स और कितनी एनर्जी चाहिए उनको स्ट्रेच करने के लिए और बेंड करने के लिए तो हम पूरे जो मॉलिक्यूल है यानी कि जो पूरे बॉल्स एंड स्प्रिंग्स हैं उनकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं तो बेसिकली जो इसका मकसद है क्वांटम केमिस्ट्री का वो यही है कि आप किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी कैलकुलेट करें आइदर एट द ग्राउंड स्टेट और एट अ ट्रांजिशन स्ट्रक्चर और एन एक्साइटेड स्टेट वॉट यू वॉन्ट तो आप उसमें ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं कि उसका बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ चेंज करें तो एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है एंड देन वी ट्राई टू फाइंड द मिनिमम एनर्जी और द ग्राउंड स्टेट एनर्जी सो करते क्या हैं कि ज्योमेट्री को चेंज करते रहते हैं और बार बार उसकी एनर्जी फाइंड करते हैं जब हमें लोएस्ट एनर्जी मिल जाती है तो उसको हम ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रक्चर कहते हैं यानी कि अब स्ट्रक्चर अपनी ग्राउंड स्टेट की हालत में आ गए तो ये प्रोसीजर जो है ये रिपीटेडली किया जाता है और मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स का फ़ायदा ये है कि ये वेरी फास्ट मेथड है और एक फेयरली बड़े साइज़ का जो मॉलिक्यूल है जिस तरह एक स्टीरॉइड को आप ले लें कोलेस्ट्रॉ देखें एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो ट्वेंटी सेवन कार्बनज हैं फोर्टी सिक्स हाइड्रोजन हैं और ऑक्सीजन भी है तो इसको आप चंद सेकंड में ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इवन यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर विद द मोलिकुलर मैकेनिक्स मेथड अब जो मोलिकुलर मैकेनिक्स मेथड है ये इतना फास्ट है कि आप किसी भी बड़े साइज़ के मोलिक्यूल को बहुत जल्दी इसमें ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन जो मलिकुलर मैकेनिक्स है ये एक चूंकि फास्ट मैथड है चीप मैथड है इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर ही नहीं कर रहे तो इसकी जो एक्यूरेसी है दैट विल नॉट बी रिलायबल इट इज़ अ क्रूड मैथड तो ये जनरली आप हर तरह के कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते इसमें हम फोर्स फील्ड्स यूज़ करते हैं फोर्स फील्ड की डिटेल में भी हम नहीं जा रहे फोर्स फील्ड में बेसिकली यही होता है कि उसमें डिफरेंट जो उसकी स्ट्रेचिंग बेंडिंग और इस तरह की टर्म्स को हम लेते हैं और एटम को एज अ बॉल और बॉन्ड को एज अ स्प्रिंग ही लेके उनकी एनर्जी कैलकुलेट की जाती है तो देर आर डिफरेंट फोर्स फील्ड्स अवेलेबल मुख्तु फोर्स फील्ड्स मौजूद हैं मुख्तु सॉफ़्टवेयर में अवेलेबल हैं और हर तरह के क्लास के लिए कंपाउंड्स की क्लास के लिए मुख्तलिफ़ फ़ोर्स फील्ड्स अवेलेबल हैं कि आप उनको यूज़ करके एक सिंपल क्वांटम केमिकल कैलकुलेशन कर लें यूजिंग दी मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स मैथड्स लेकिन ये मैथड्स uh, इनकी एक्यूरेसी वो उतनी नहीं है दे आर द लीस्ट एक्यूरेट वानस एक्चुअली नेक्स्ट आ जाते हैं एब इनिशियो कैलकुलेशंस सॉरी इसमें ये मैकेनिक्स नहीं होना चाहिए हम मैकेनिक्स को हटा देते हैं अच्छा जी एब इनिशियो कैलकुलेशंस जो हैं इसमें हम देखते हैं एब इनिशियो क्या है एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग सो या इन शो कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन द शुडिंगर वेव इक्वेशन जो इनकी बेसिस है वो शुडिंगर इक्वेशन है एंड दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेश ऑफ़ मॉडर्न फिजिक्स एंड डिस्क्राइब्स अमंग अदर थिंग्स हाउ डी इलेक्ट्रॉन्स इन अ मोलीयूल बिहेव शुडिंगर वेव इक्वेशन आपको अलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है कि वो किसी मोलिक्यूल के अंदर कैसा बिहेव कर रहा है मतलब अलेक्ट्रॉन का क्या हिसाब किताब है वो किधर पाया जा रहा है उसका बिहेवियर क्या है ये सारी चीज़ें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको बताती हैं द एबिनिशो मैथड्स शोज द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ मॉलिक्यूल सॉरी सोल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ मॉलिक्यूल एंड गिव्स अस एन एनर्जी एंड वेव फंक्शन एबिशो मैथड क्या करते हैं बेसिकली ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए और हमें एनर्जी और वेव फंक्शन कैलकुलेट करके देते हैं वेव फंक्शन क्या है इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन

Uh, पता हो ये आप देखें डिराक ने क्या कहा कि दी अंडरलाइंग फिजिकल लॉज नेसेसरी फॉर द मैथमेटिकल थियोरी ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड द होल ऑफ केमिस्ट्री आर दस कम्प्लीटली नोन एंड द डिफिकल्टी इज ओनली दैट द एग्जैक्ट एप्लीकेशन ऑफ दीज लॉज लीड्स टू इक्वेशंस मच टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्वेबल डायरेक्ट कहता है कि जो फिज़िक्स के लॉज हैं बहुत सारी मैथमेटिकल थ्योरी और फिज़िक्स के लिए और सारी केमिस्ट्री के लिए ये कम्प्लीटली नॉन है मतलब लॉज सारे मौजूद हैं हमारे पास जो बेसिक लॉज हैं लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हैं या लॉ ऑफ मैथ सैक्शन है या जितने भी लॉज हैं दे आर देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स मसला क्या है मसला ये है कि उन लॉज को अगर आप यूज़ करके तो आ, क्वांटम केमिस्ट्री या इन चीज़ों की कैलकुलेशन शुरू कर दें तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशनस हो जाती हैं कि वो सॉलवेबल नहीं रहती तो आपको उन उनकोशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और कंप्यूटेशनल पावर जो है वो दरकार होती है तो इसलिए जो एग्ज़ैक्ट सोलूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बड़े मालिक्यूल्स के लिए वो मुमकिन इसलिए नहीं है कि हमारे पास जो करंटली इतने फास्ट कंप्यूटर्स मौजूद हैं उनके बावजूद वो इक्वेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और इतनी टाइम कंज्यूमिंग हैं कि हम आ, उसके एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते द चैलेंज इन कंपटेशनल कैमिट्रीज़ टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन इनफ टू बी सॉल्वेबल बट स्टिल एक्यूरेट इनफ टू प्रिडिक्ट द डिज़ायर्ड फिजिकल क्वान्टिटी तो मेन चैलेंज क्या है कंपटेशन केमिस्ट्री में कि के कैलकुलेशन को इतना सिंप्लीफाई करें कि वो सॉल्व हो जाए लेकिन उसको सिंप्लीफाई करते करते उसकी एक्यूरेसी ना ख़त्म हो जाए उसकी इतनी एक्यूरेसी भी हो कि जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो एक रिलायबल आपको कैलकुलेशन रिजल्ट भी मिल जाए तो ये उसका मेन चैलेंज है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का जिसको हमने मद्देनज़र रखना होता है एंड देयर इज़ अ नॉर्मस टूल बॉक्स ऑफ थ्योरेटिकल मैथड्स अवेलेबल एंड इट विल टेक स्किल एंड क्रिएटिविटी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं बहुत सारे मैथड्स अवेलेबल हैं अब ये आपने इसमें स्किल गेन करनी है और क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके दिमाग में ताकि आप रियल वर्ल्ड और जो रियल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें दो मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं सेमी मालिकुलर मैकेनिक्स एंड एबिनिशियो मेथड्स। नेक्स्ट इज सेमी एम्पेरिकल कैलकुलेशंस सेमी एम्पेरिकल कैलकुलेशन आर लाइक एबनिशो बेस्ड ऑन द श्रोडिंगर इक्वेशन ये भी बेसिकली इनकी जो बुनियाद है वो श्रोडिंगर वेब इक्वेशन ही है हियर मोर अप्रॉक्सीमेशन आर मेड इन सॉल्विंग इट एंड द वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंटेगर दैट मस्ट बी कैलकुलेटेड इन द एबिनिशो मैथड आर नॉट एक्चुअली इवेलुएटेड इसमें और एब इनिशो में फ़र्क क्या है कि एब इनिशो में हर चीज़ कैलकुलेट की जाती है सेमी एम्पेरिकल में अप्रोक्सीमेशनस हम लेते हैं इसमें हर चीज़ को हम कैलकुलेट नहीं करते और इसमें हम क्या करते हैं कि एक लाइब्रेरी बना लेते हैं इंटेग्रल्स की दैट इज़ कम्पाइल्ड बाई फाइंडिंग द बेस्ट फिट ऑफ सम कैलकुलेटेड एंटिटी लाइक जोमेट्री और एनर्जी हीट ऑफ फॉर्मेशन समथिंग मतलब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसकी एक लाइब्रेरी बना लेते हैं हम और उस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं जो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल की वो यूज़ करके साथ उनकी अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करते हैं और कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं हम सारा कुछ कैलकुलेट नहीं करते तो इस वजह से इनको सेमी सेमीपेरिकल कैलकुलेशन कहते हैं जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को आप मैथमेटिकल प्रोसीजर की मदद से कंप्यूटेशनली यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को पैरामीटराइजेशन कहते हैं मतलब थ्योरी के अंदर हमने डिफरेंट पैरामीटर्स खुद ऐड कर लिए हैं हमने हर चीज़ कैलकुलेट नहीं की बल्कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स ऐड किए तो इसको पैरामीटराइजेशन कहते हैं और इसको सेमी एम्पेरिकल इसीलिए कहते हैं कि एम्पेरिकल का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल मतलब ये सेमी एक्सपेरिमेंटल है ना ये फुली एक्सपेरिमेंटल है ना ये फुली कंप्यूटेशनल मेथड है तो इसमें हम शुडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे जो उसके फंक्शंस हैं उनको पैरामीटराइज करके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ वहाँ पर लगाते हैं तो यानी कि हम वेव इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम उसको उसकी एक्चुअल हालत में सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि बहुत सारी चीज़ें अप्रोक्सीमेशन उसमें ऐड कर रहे हैं तो सेमी एम्पेरिकल कैल्कुलेशन ये मालिकुलर मकैनिक से स्लोअर हैं लेकिन एब इनिशियो से बहुत ज़्यादा फास्टर्स हैं सबसे जो फास्ट है वो मालिकुलर मकैनिक है फिर सेमी एम्पेरिकल अगर इन तीन को कंपेयर करें और फिर एब इनिशियो मैथड आएगा तो सेमी एम्पेरिकल कैलकुलेशन टेक रफली हंड्रेड टाइम्स एज लॉन्ग एज मोलिकुलर मैकेनिक्स कैलकुलेशन एंड एब इनिशो कैलकोलेन टेक रफली हंड्रेड टू थाउजेंड टाइम्स एज लॉन्ग एज सेमी एम्पेरिकल तो ये देखा आपने कि जो सेमी एम्पेरिकल कैलकुलेशन है ये तकरीबन मोलिकुलर मकैनिक से सौ गुना स्लो होंगी लेकिन एब इनिशो अगर देखें तो वो सेमी एम्पेरिकल से भी सौ से हज़ार गुना मजीद स्लो हो सकती हैं डिपेंडिंग के आप थ्योरी का कौन सा लेवल इस्तेमाल कर रहे हैं कितनी एक्यूरेसी चाह रहे हैं तो ये इस तरह से सेमी एम्पेरिकल मैथड जो है यह भी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का हिस्सा है नेक्स्ट आती है डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी जिसको हम डी लिखेंगे दे आर लाइक एबीशियो एंड सेमी एंपेरिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दोडिंग हाउ एवर अनलाइ दर टू मैथड डी एफ टी डज नॉट कैलकुलेट अ कन्वेंशनल वेव फंक्शन बट रादर अदर द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फंक्शन डायरेक्टली डेंसिटी फंक्शन थ्योरी में फर्क क्या है बाकी दो मेथड से यानी कि एब इनिशो और सेमी एम्पेरिकल मेथड से कि इसमें हम जो वेव फंक्शन है जो साई है शोडिंग वेव इक्वेशन में वो उस तरह से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते ट्रेडिशनल वे में बल्कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी फंक्शन डिराइव करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी पूरे इलेक्ट्रॉन्स को एवरेज उनकी जो डेंसिटी है उसको लेते हैं उसकी पूरे जो इंटेग्रल्स हैं वो कैलकुलेट नहीं करते तो इस तरह से डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी ये एब इनिशियो मेथड से फास्टर है और स्टिल बहुत हद तक एक्यूरेट भी है सेमी एम्पेरिकल से ज़्यादा तो जो फंक्शनल होता है डेंसिटी फंक्शनल व्हाट इज़ अ फंक्शनल फंक्शनल इज़ बेसिकली मैथमेटिकल एंटिटी दैट इज़ रिलेटेड टू अ फंक्शन तो जो किसी फंक्शन को नंबर में कन्वर्ट करता है वो एक फंक्शनल होता है डेंसिटी फंक्शनल जो हम यूज़ करते हैं वो हमें मॉलिक्यूल की एनर्जी आखिर में प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो इसमें अगर आप देखें हमारे पास मुख्तलिफ तरह के डेंसिटी फंक्शनल्स हैं यहाँ पर सिर्फ आप इनके नाम देखने हैं। आपने इससे ज़्यादा कोई इस पर कर फिक्र नहीं करना ना इस परेशानी का इज़हार करना है कि ये जो आपको डेंसिटी फ़न्क्शनल नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के हैं ये मुख्तलिफ़ टाइप्स क्या हैंचेंज प्योर हाइब्रिड ये ये चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी आपने सिर्फ इतना देखना है कि ये मुख्तलिफ फ़ंक्शनल्स के नेम्स हैं मतलब ये जिस जिसने उनको डिस्कवर किया उनके नामों के ऊपर इनकी एब्रेविएशन हैं तो इस तरीके से ये डिफ़रेंट फंक्शनल्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने इनको बनाया है और इनके अंदर जो बेहतरी लाने की कोशिश की और ताकि ये एकट भी हों फास्ट भी हों और कामन मैन इनको इस्तेमाल कर सके तो ये मुख्तलिफ़ फंक्शनल्स के नेम्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे ज़्यादा डिटेल इनकी हम आगे पढ़ेंगे लास्ट मैथड इज़ सिमुलेशंस। डायनेमिकेशन मालिकुलर डायनेमिक अप्लाई द लॉज ऑफ मोशन टू द मालिकूल्स इसमें क्या होता है कि हम किसी भी मलिक्यूल की मोशन को स्टडी कर सकते हैं कि डायनेमिकली वो कैसा होगा वो आ, उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो हम इजीली स्टडी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल किसी एंज़ाइम की जो शेप है वो चेंज होती है वो किसी सबस्ट्रेट से बाइंड कैसे करता है वो मूवमेंट या मलिक्यूल जो वाटर के हैं वो किसी सॉल्यूट के गिरद कैसे इकट्ठे होते हैं वो मूवमेंट ये सारी चीज़ें हम मलिकुलर डायनेमिक सिमुलेशन के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं और लेकिन ये जो फील्ड है ये ज़्यादा बायोलॉजिकल साइड पे लोग इसको स्टडी करते हैं इसलिए हमारा इससे इतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो जो बहुत बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हैं उनको चूंकि कंप्यूटेशनली स्टडी करना इतना इजी नहीं होता तो उनको हम ज़्यादातर मालिक्यूलर मैकेनिक्स से स्टडी करते हैं और जो नॉवल मलिक्यूल्स हैं या अनयूअल स्ट्रक्चर्स हैं और जो रीज़नेबल साइज़ मालिक्यूल हैं वो एब इनिशियो या डीएफटी कैलकुलेशन से हम स्टडी कर सकते हैं तो हम लोग जो अपने रिसर्च ग्रुप में यूज़ करेंगे वो डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है और कॉस्ट है वो आ, तकरीबन बाक़ियों से बहुत बेहतर है जब भी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में हम कॉस्ट की बात करेंगे और एक्यूरेसी की तो आपने कॉस्ट से मुराद हरगिज़ जो उसकी कीमत है वो नहीं लेनी कॉस्ट से मुराद ये लेनी है कि कंप्यूटेशनल कॉस्ट कितनी चाहिए आपको एक मालिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए कितनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्स चाहिए कंप्यूटर की प्रोसेसर कितने चाहिए उसकी रैम या मेमोरी कितनी चाहिए तो इस सारी चीज़ों को हम जनरली कंप्यूटेशनल कॉस्ट कहेंगे तो जब भी कॉस्ट की बात होगी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में तो आपने उसको इसी तरह से समझना है कि कॉस्ट का क्या मतलब है और एक्यूरेसी जो है वो जितनी ज़्यादा मेथड आप अच्छा इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट बढ़ जाएगी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी यहाँ पे एक छोटी सी आ, आप कंपटेशनल केमिस्ट्री की मूवी देखें जिसमें आप देखें कि हम क्या क्या इसकी मदद से कर सकते हैं फिर हम आगे चलते हैं ये जस्ट आप लोगों को रिफ्रेश करने के लिए कि देखें कैसे हम मॉलिक्यूल्स बिल्ड कर सकते हैं की क्या क्या, -क्या प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं ये देखें उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी इसमें आपको जो रेड कलर की साइड्स नजर आ रही हैं, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच साइड्स हैं ये उसके देखें मालिक्यूल ऑर्बिटल्स देख सकते हैं आप मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं उनकी वाइब्रेशंस, ये चीजें देख सकते हैं मॉलिक्यूल रिएक्ट कैसे करते हैं उसको रिवर्स करके देख सकते हैं कैसे ब्रेक हुआ था वो ये सारी चीज़ें कंप्यूटेशनल की मदद मतलब से आप इजीली विज़ुलाइज कर सकते हैं जो शायद एक्सपेरिमेंटली आपके लिए देखना पॉसिबल ना हो उसको स्टॉप करके देखें कैसे हम ज़ूम करके उसकी लेंस और इन चीज़ों को फोकस कर सकते हैं जो कि नॉर्मली आपके लिए मालिक्यूल की मूवमेंट को स्टॉप करना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है बिग मॉलिक्यूल्स को देखें आप उसके अंदर देखें छोटा सा मालिक्यूल पड़ा है एटम के ऊपर आओ अगर आप बैठ जाएं तो वो मूव कर रहा होगा तो आपको बाकी एटम कैसे नज़र आएंगे लेकिन इसकी बैक सारे पे ये सारे नंबर्स और इक्वेशंस हैं जो कि कंप्यूटर कर रहा है और हम चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हैं तो दैट वॉज़ ऑल अबाउट द बेसिक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं इसके बिल्डिंग अ मॉलिक्यूल और जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर uh, के अंदर डिस्कस करेंगे तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग